नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। वोडाफोन आइडिया में किस कंपनी ने अपने कर्ज को शेयर में किया तब्दील? संकटग्रस्त कंपनी गोफर्स्ट के लिए किसने बढ़ाई अपनी बोली? एबी सनलाइफ एएमसी के ओएफएस को रिटेल निवेशकों से मिला कैसा रिस्पॉन्स, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। फिनटेक कंपनी पेटीएम पर हुई रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद उसकी ऐप पर पेमेंट्स बैंक से जुड़ी सेवाएं बंद हो गई हैं। कंपनी की ओर से मोबाइल ऐप पर वॉलेट को हटा दिया गया है और वॉलेट की जगह चार बैंकों को जोड़ा गया है जिनके जरिए कंपनी की ओर से यूपीआई सेवा दी जा रही है। यानी कि पेटीएम भी अब गूगल पे और फोन पे की तरह यूपीआई सर्विस कंपनी बन चुकी है। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर 3.5% की बढ़त के साथ 420.75 रुपए पर बंद हुआ। अमेरिकन टावर कॉर्प की भारतीय इकाई एटीसी इंडिया ने वोडाफोन आइडिया को 14,400 ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि ओसीडीज को इक्विटी शेयरों में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। 10 रुपए के भाव पर कन्वर्ट किए जाने वाले इन ओसीडीज की वैल्यू 1440 करोड़ रुपए है, जिसके जरिए एटीसी इंडिया को वोडाफोन आइडिया में करीब 3% हिस्सेदारी मिलेगी। खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 12.70 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह और ईज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी ने संयुक्त रूप से संकटग्रस्त एयरलाइन गोफर्स्ट को खरीदने के लिए अपनी बोली को 150 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। इसके बाद कुल बोली की रकम 1650 करोड़ रुपए से बढ़कर 1700 करोड़ रुपए हो गई है। क्रेडिटर्स की कमेटी इसी महीने बोलियों का मूल्यांकन करेगी। खबर के चलते आज स्पाइसजेट का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 58.36 रुपए पर बंद हुआ। आज यानी 20 मार्च को रिटेल निवेशकों के लिए खुले एबी सनलाइफ एएमसी के ओएफएस को बेहद ठंडा रिस्पांस मिला है। ओएफएस में रिटेल निवेशकों का कोटा केवल 0.09 गुना ही भर पाया। हालांकि 19 मार्च को खुले संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 2.17 गुना बोलियां मिलने से प्रमोटर कंपनियों ने ओवर सब्सक्रिप्शन के विकल्प को चुनने का फैसला लिया था। खबर के चलते आज आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी का शेयर करीब 1.25% गिरकर 455.50 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने शाकाहारियों के लिए सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने के लिए सर्विस लॉन्च की है। ये सेवा प्योर वेज मोड के नाम से शुरू की गई है। खबर के चलते आज जोमैटो के शेयर में 165.85 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। प्रॉक्सिमस ओपल ने रूट मोबाइल के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया है। पब्लिक शेयर होल्डर से 26% हिस्सा खरीदने के लिए ये ऑफर लॉन्च किया गया है। ये ऑफर 1,626.40 रुपए के भाव पर लॉन्च किया गया है, जो मंगलवार 19 मार्च के क्लोजिंग भाव यानी कि 1,578.75 रुपए से करीब 3% के प्रीमियम पर है। प्रीमियम पर ओपन ऑफर लॉन्च होने की खबर से आज रूट मोबाइल के शेयर में 2% की बढ़त के साथ 1,611 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। सरकारी बीमा कंपनी LIC से जुड़े फ्रंट रनिंग मामले में सेबी ने 5 एंटिटीज पर सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार पर बैन लगा दिया है। इन एंटिटीज में LIC के एक कर्मचारी का नाम भी शामिल है। खबर के चलते आज LIC के शेयर में करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 867.95 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी भारतीय हेसाकॉम को IPO लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। इस कंपनी में भारतीय एयरटेल की 70% हिस्सेदारी है। वहीं केंद्र सरकार के पास भी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL के जरिए 30% हिस्सेदारी है। खबर के चलते आज भारतीय एयरटेल का शेयर 1/4% की मजबूती के साथ 1,231.60 रुपए पर बंद हुआ। जुपिटर वैगन्स के बोर्ड ने बोना ट्रांस इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस अधिग्रहण पर कंपनी की ओर से 271 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खबर के चलते जुपिटर वैगन्स के शेयर में आज 1.5% की कमजोरी के साथ 333.70 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। ज्योति स्ट्रक्चर्स के शेयर में आज शुरुआती कारोबार में 4% तक का उछाल देखने को मिला है। असल में कंपनी के बोर्ड ने राइट्स इशू को 21 मार्च को जिन शेयर धारकों के पास इन कंपनी की होल्डिंग होगी उनको हर 37 शेयर पर 6 राइट्स शेयर जारी किए जाएंगे। हालांकि राइट्स इशू को मंजूरी की खबर से शेयर 5% के निचले सर्किट पर 23.25 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। रिलायंस पावर की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की JC फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ 2100 करोड़ रुपए की बकाया रकम से जुड़ा मामला सुलझाने के लिए बातचीत कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस पावर का इस वित्त वर्ष के अंत तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य है। खबर के चलते आज रिलायंस पावर का शेयर 5% के अपर सर्किट पर 23.90 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। तो आज के कॉरपोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने।
बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूँ विदा, धन्यवाद।